हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया गया है? 8 अगस्त को। हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूज सेल आधारित ट्रेन कहाँ चलेगी? हरियाणा में। हाल ही में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है? 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने 1 महीने चलने वाला अभियान पानी माह शुरू किया है? लद्दाख ने। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चमन लाल पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है, वे कौन थे? सामाजिक कार्यकर्ता थे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला शिकायत निवारण समिति का गठन किया है? राजस्थान ने। हाल ही में BCCI ने ओलंपिक में कांस्य पदक विजेताओं को कितने लाख रुपए देने की घोषणा की है? 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने विधायकों के मासिक वेतन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? 66% की बढ़ोतरी की है। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज जेम्स एंडरसन बने हैं, वे किस देश के हैं? इंग्लैंड के। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में मालदीव शैली के वाटर विला स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है? लक्षद्वीप में। हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? KP शर्मा ओली। हाल ही में स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा अभियान को कितने साल तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? 5 साल की मंजूरी दी गई है। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने आदिवासी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की मंजूरी दी है? जम्मू कश्मीर ने। हाल ही में किसने ऐप आधारित डोर स्टेप डीजल सेवा हम सफ़र की शुरुआत की है? IOCL ने। IOCL का फुल फॉर्म है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। यह एक भारत की प्रमुख राष्ट्रीय तेल कंपनी है। हाल ही में NEP 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? कर्नाटक। लास्ट वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन था, हाल ही में BRO ने कहां सबसे ऊंचा मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क बनाई है? लद्दाख में। लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया था। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के लाभांशु शर्मा ने केसरीय कुश्ती दंगल जीता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, जिनमें से 1 ऑप्शन सही है। आपको सही ऑप्शन चूज करके कमेंट सेक्शन में बताना है, जिससे पता चले कि आपका रिवीजन सही तरीके से चल रहा है।